13 साल का एक बच्चा घर से लहुचुरा डैम में नहाने गया था। जब वो नहीं लौटा तो उसकी तलाश की गई। 20 सदस्यीय दल ने धासन नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर यूपी के महोबकंठ थाना पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर युवक का शव नदी से निकाला। मेरा लड़का जिद कर रहा था, मुझे नाव में घूमना है, नाव में घूमना है। मैं आई, मैंने कहा चल मैं घुमा लाऊ नाव में, मैं आज घर जाना था। मैंने कहा चल घुमा लाऊ, कहा था कि मैंने कहा इतना नाव नहीं भाई ये दिखा, चल चलिए घर आए ऐसे नहा ले। तो कहा था मम्मी मुझे तो अच्छा दिखा था, फोटो वोटो खींच ले, फोटो वोटो खींच लिया, नहा लिया, फिर चलियो। मैंने कहा ठीक है जल्दी कर ले, और बात नहीं मानो। कहता मम्मी भी थोड़ी तैर लेने, बिना पता रहा कि इतना करो। रेत चोरी में अगर मेरे बाप का भी बाप शामिल हो तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करें। यह बात केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने जिला प्रशासन की जन सुनवाई में खनिज अधिकारी अमित मिश्रा को सांसद प्रतिनिधि की शिकायत पर फटकार लगाते हुए कही। जिला पंचायत के सभा कक्ष में चल रही जन सुनवाई में केंद्रीय मंत्री रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत और चोरी के प्रकरण दूसरे पर थोपे जाने की शिकायत पर भड़क गए थे। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।